हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, न्यूज़ है कि पाकिस्तान नेशनल सिंग्स इंडिया प्रेज ड्यूरिंग मोदीज ऑस्ट्रेलिया विजिट, टेल्स शरीफ फॉर गॉड सेक, और आगे नहीं पता क्या बोला है। अब ये वीडियो हो रही है वायरल, तो चलो देखें क्या हो रहा है। आजकल तो बड़ी इस टाइप से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की वीडियो आ रही है। देखिए, मैं तो यही लगता है कि पाकिस्तान में अगर किसी को भी बहुत फेमस होना है, बस तो इंडिया की जय जयकार करना शुरू कर दे, मोदी जी को ग्रेट बोलो, बस दो चार कैमरे ले ले और वहाँ नारे लगाए जय हिंद। और ये बोलते मोदी जी की जय हिंद तो नहीं बोलते ये लोग, पर मोदी जी आई लव यू बोलेंगे। सुपर वायरल होना है तो उसे जय हिंद बोलना पड़ेगा। आइडिया अच्छा है वैसे, भारत माता की जय बोलो सबसे ज्यादा। मोदी जी इज ग्रेट, आई लव मोदी जी, इंडिया इज ग्रेट, मैं जनगण मन आपको बोल के गा के दिखाता हूँ, बस ये सब कर दे वायरल हो जाएगा बंदा। कोई पता नहीं होता, कई लोग उसी पर्पज से कर रहे हो वायरल अपने आप को करने के लिए, मोस्टली तो यही लगता है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होगा बोलेगा भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी का नेशनल हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ अगली बातें। बिल्कुल, कोई नॉर्मली ऐसे बोलता है, बट आई थिंक एक तरीका तो है कि ये लोग अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, अगर वायरल तो हो जाते हैं जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उनकी वजह से वायरल। ये फॉर्मूला उन सब लोगों के पास अवेलेबल है पाकिस्तान में, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है भैया। पर देखते हैं इस वीडियो में क्या है, वो देखते हैं क्या। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता है क्या कहा मोदी को, उसने कहा मोदी यू आर बॉस। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं पूरी दुनिया में। क्या यू आर द सर्वेंट, इंडिया का सोच है। नहीं, उसने वो नहीं बोला, मैं बाद में बताऊंगा। वही तो, दिस इज ऑन ग्रोथ, यू मेक अस प्राउड, माय पीएम माय प्राइड, वेरी नाइस। Need to sit with Pakistan, no one in India needs to. He will be abducted the moment he lands back in Pakistan. अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया कि आप दोनों सोच लें, वो जब दोनों बोला था वो क्या स्टेटमेंट थी,
उसका मतलब था कि इमरान खान और ये क्या नाम है उसका शहबाज शरीफ, ये दोनों देखें कि क्या कर रहे हैं ये, और मुल्क का सोचें और अब अपना जो है अपना खुद का फायदा कि भैया गद्दी हमें मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर हम बन जाए, वो ना सोचें। तो वही मैं जब ये कह रहा था ना ये सब, मैंने कहा अभी तो बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ बड़ी ज्ञान बांट रहा है पाकिस्तान में अपने पीएमओ को और पुराने पीएम को, जरा वापस जाए फिर पता चलेगा तेरे को। ये यहीं पे रहता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, यही होगा कि वहां का ही होगा या उसको पता होगा कि मैंने सिटीजन होगा, मगर फिर भी रिलेटिव्स होते हैं। हाँ, वो कंट्री में तो प्रॉब्लम तो आ सकती है, आ तो सकती है। और चलिए मैंने तो इनको और भी बता दिया, अगर और कोई सोच रहा है कि मेरे को भी वायरल होना है हिंदुस्तान टाइम्स में आना है तो आप या दूसरे इंडियन चैनल्स में आना है, वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय, जय हिंद और जन गण मन पूरा गाइए, या मोदी जी आई लव यू, ये करिए, आप गारंटी हैं वायरल होंगे बिल्कुल। पर वैसे मैं सोच रही थी जब ये बोल रहे थे ना और दिखा रहे थे पीछे का, हमने वीडियो की थी जब मोदी जी यहाँ दोनों जगह गए हैं उसकी हमने वीडियो की थी, ये गए मोदी जी जब एक था सिडनी हार्बर और दूसरा था ओपरा हाउस सिडनी का, और उसमें जो इन्होंने दिखाया है ना वाकई में अमेजिंग था। तो अभी जब खड़े होके पीछे इसको दिखा रहे थे कि हमारा पूरा फ्लैग का और वो सब बना हुआ, तो मैं यही सोच रही थी कि जितने भी पाकिस्तानी जो हैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होंगे वो तो बेचारे बड़े परेशान हो रहे होंगे ये सब देख के। पता नहीं, मैं होता तो उनको तो शायद पता ही नहीं होगा इंडिया का फ्लैग कैसे रखता है। दिखता होगा पाकिस्तानियों को, ये नहीं पता होगा इंडिया का फ्लैग कैसे होता है, या अगर नहीं भी पता होगा जब देखेंगे तो उनको लगेगा तो सही। मुझे लगता है कि इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस है पाकिस्तान का, मतलब अवेयरनेस क्या पता। जैसे इंडिया के भक्त जाते हैं पाकिस्तान की रिएक्शन चैनल्स देखने, मुझे तो लगता है इंडिया वालों को बहुत पता है पाकिस्तान के बारे में, पर पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को ज्यादा नहीं पता, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस जो कर रहे हैं चैनल उसमें पाकिस्तान के लोग तो आते नहीं, नहीं आते, एक भी नहीं आता राइट, मगर इंडिया के लोग जो हैं जबरदस्त जाते हैं पाकिस्तानी चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स तो सारी वो हैं। अवेयरनेस इंडिया के लोगों को ज्यादा होगी पाकिस्तान के बारे में, नॉट द अदर वे, उधर पाकिस्तान को इंडिया की नहीं होगी। पर एनीवे मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरह की जो मिली थी वेलकम और जैसे पूरे इतना बड़ा फ्लैग बनाया अपनी टॉप मोस्ट प्लेसेस में, हार्बर पे और ओपरा हाउस में, दैट वाज अमेजिंग। और उसकी वीडियोस देखकर कोई भी पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता, उसको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। और वो वर्ड जो बोला था ना वो बड़ा मज़ेदार था कि भैया मोदी जी को तो बॉस बोला है और अब आप लोगों को क्या बोलते हैं आपको पता है, ये बताओ उनको क्या बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है आज का क्वेश्चन टीचर आपको दे रही है, टीचर मैं हूं कि बताओ इसको ब्लैंक को फिल करो कमेंट सेक्शन में कि नवाज शरीफ और उनको क्या बोलते हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान को दुनिया क्या बोलती है डैश। वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल न्यूज आनी शुरू हो गई है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसके सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है। हाँ। और उसको इमरान खान को बिल्कुल ही आर्मी या बिल्कुल ही करने वाली है, क्या मतलब उसकी पार्टी को खत्म करने वाली है, पावर सारी खत्म करने वाली है, उसको जेल में डाल देगी फिर, ऐसा यहाँ पे आ रहा है कि आर्मी जो है अब बहुत एग्रेसिव हो गई है इमरान खान की पार्टी के ऊपर और उसकी ऑलमोस्ट पार्टी डिसइंटीग्रेट करके उसकी पावर खत्म करने वाली है, और उसके बाद फिर उसको पकड़ेगी, क्योंकि जब पावर पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, मैं ये पकड़ेगी तो क्लियरली लोगों ने बोला कि पावर जो खत्म करने की बात करो ना, पावर जो है इमरान खान की पावर और उसकी पार्टी की पावर खत्म होने वाली है, और जो डिसइंटीग्रेट करिए पार्टी को कैसे करिए, उनको जेल में डाल कर, उनको पकड़ के जेल में डाल, तभी तो वो फवाद चौधरी सब छोड़ छाड़ के भाग गया कि नहीं तो मेरे को भी जेल में कर देंगे, वो भी लिखा था सबको अरेस्ट कर रहे हैं और पकड़ के जेल में डाल के सबको डाल रहे हैं, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं डाल रहे, बाकियों को डाली जा रही है, इमरान खान को क्यों नहीं डाल रहे, इमरान खान विदाउट एनी पार्टी वाह, और उसकी पावर खत्म कर रहे हैं, तो वॉट एवर ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या कर रहे हैं, क्या उसी के रिस्पॉन्स से बोल रहे होंगे कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान में, यहाँ पे देखो इंडिया का झंडा लहरा रहा है। वो तो है भैया, इंडिया का झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तान तो किसी को पता ही नहीं कौन पाकिस्तान क्या पाकिस्तान। अच्छा, मेरा फिल इन द ब्लैंक्स जो था ना कि दुनिया इनको क्या दुनिया इनको डैश बोलती है, अब डैश फिल करो, तो उन्हीं भाई सबसे पूछना पड़ेगा, वही तो क्या बोलना चाहते हैं, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि मोदी जी को बॉस बोलती है और इन लोगों को डैश बोलती है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।